हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक की एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वीडियो को शूट कैसे करना है और वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, इस बैकग्राउंड को 15 से 20 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इसके बाद आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और आपको इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद वीडियो में जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो वीडियो को आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना है आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो मैंने यहाँ से शूट करना स्टार्ट किया था। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जो लेफ्ट साइड का है, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो को प्रेस करके रखेंगे, इसे आपको लास्ट पॉइंट तक लेकर आ जाना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पर आना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है लास्ट में उसे भी आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो वीडियो आपको यहाँ पर 10 से 12 सेकेंड तक का चाहिए, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो आपको ग्रीन स्क्रीन जो दिख रहा है इसे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल क्रोमा की को इनेबल करना है और आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है उसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ से आपको ब्लैक कर देना है। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, ऐसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है, इसके बाद डन करना है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन स्क्रीन था वो आपका ब्लैक कलर का हो चुका है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है सेम बिल्कुल इसके सामने जस्ट इस तरह से आपको सेंटर में एडजस्ट करना है, कुछ इस तरह से 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। अब जब आप वीडियो इसके बाद जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैं बैकग्राउंड को भी ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।